am Dr. Surinder Gambhir, Senior Consultant Gynecologist in Paras Bliss Hospital. आज हम आपको benefits of epidural anesthesia बताएंगे. तो जो epidural anesthesia है, ये most popular pain relief method है. और आजकल 50% से ज़्यादा जो women हैं, जो hospital में deliver करती हैं, वो इस एपिड्यूरल के लिए ऑप्ट करती हैं कि हमें एपिड्यूरल एनेस्थीजिया चाहिए. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इसमें ये है कि पेन रिलीफ, इसमें इतना अच्छा पेन रिलीफ होता है, चाहे आप इसको चेस्ट की सर्जरी में यूज़ करो, चाहे अब्डोमेन की, एनी टाइप ऑफ सर्जरी एक्सेप्ट हेड एंड नेक में आप यूज़ नहीं कर सकते, बाकी सब एनेस्थीसिया में बहुत अच्छा पेन रिलीफ देता है. एंड सेकंड इसका बेनिफिट है ब्रीदिंग. इसमें आप इतनी इजीली ब्रीद कर सकते हो क्योंकि आपको पेन रिलीफ हो जाता है और इतना आपकी जो एक्सपेंशन है लंग्स की वो अच्छी होती है, उसे ऑक्सीजन अच्छी जाती है आपके अंदर और आप बेटर फील करते हो. फिर उसके बाद है कि आपको स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है. अगर पेन होगा तो स्ट्रेस होगा, अगर पेन नहीं होगा तो स्ट्रेस भी कम होगा, तो इसमें आपको स्ट्रेस भी कम होगा. और फिर इसके बाद आपको बेनिफिट ये है कि इसमें रूटीन में अगर आपको एपिड्यूरल ना लगा हो तो आपका जो खाना पीना है थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, बिकॉज जो पेन किलर हम सेडेशन देते हैं उससे पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, और मॉर्फिन वगैरह जो देते हैं उससे बावल कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाती है. बट एपिड्यूरल में ऐसा नहीं होता. एपिड्यूरल में पेशेंट की जो बावल की कंट्रेक्शन है वो बहुत अच्छी होती है एंड आप खाना पीना जल्दी शुरू कर सकते हो. उसके बाद इसमें जो हार्ट पे स्ट्रेस है वो भी कम होता है. तो स्ट्रेस कम होने की वजह से इसमें अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम लगाते हैं तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस का बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस. फिर इसमें क्या है, अगर पेशेंट को पेन रिलीफ है तो पेशेंट जल्दी चलना फिरना स्टार्ट कर देगा. तो जल्दी चलना फिरना स्टार्ट कर देगा उसमें फिर चांसेस ऑफ जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वो भी कम हो जाते हैं, जो कि बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं. और ऑन दी होल ये मतलब सारा जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी को कम करती है. अच्छा, अब देखते हैं कि लेबर में इसका क्या इफेक्ट होता है. लेबर में ये है कि इफ़ द लेबर इज़ प्रोलॉन्ग तो आप रेस्ट कर सकते हो आराम से. एपिड्यूरल लग गया, आप आराम से रेस्ट करो. दूसरा ये है कि आपको लेबर का अच्छी तरह एहसास होता है. यू कैन हैव पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस बिकॉज आपको पेन रिलीफ हो गया एपिड्यूरल से और आप अच्छी तरह से उसको लेबर को अपने को फील कर सकते हो. और फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का ये भी है कि ये आपको अलर्ट रखता है, अवेक रखता है, तो उससे आप कंफर्टेबल फील करते हो. और अगर आपका डिलीवरी सीजेरियन सेक्शन से होती है फिर भी आप अवेक रहोगे, अलर्ट रहोगे और आप हर चीज़ को फील कर सकते हो. और मेन बेनिफिट ये है कि आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको फर्स्ट डे जैसे पेन किलर इंजेक्शन और लगाने पड़ते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, आराम से रेस्ट कर सकते हो. और आपको किसी तरीके की कोई मतलब चलना फिरना है आपका जल्दी शुरू हो जाएगा और आपको इरिटेबिलिटी भी कम होगी और कोई नौजिया, वॉमिटिंग चांसेस ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी मच मिनिमम. और इसके बाद जो आप मेन ये है कि आप अलर्ट रहोगे, अवेक रहोगे और अपने जो डिलीवरी है उसमें फोकस्ड रहोगे. तो इसमें आपको
अगर डिलीवरी के लिए आपको कोई मतलब ऑप्शन कोई पूछे कि क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि हमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगवाना है, और मैं आपको यही राय दूंगी कि पेन को मतलब अपने पेन को ठीक करने के लिए आपको पेन रिलीफ होना चाहिए, और आप इसको ऑप्शन में अपने रखो कि जब भी आपका डिलीवरी हो तो आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का मेथड ऑप्ट करने के लिए कहो।